हेलो, चलो कंटिन्यू करते हैं। कल कुछ रिकॉर्डिंग में टेक्निकल एरर आ गया, जिस वजह से क्लास अपलोड नहीं हो पा रही थी। हम सोचे थे कि यूट्यूब में कोई प्रॉब्लम है। यूट्यूब में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यूट्यूब की तरफ से ये रिकॉर्डिंग होते टाइम ही कुछ सिस्टम हैंग हो गया, तो वीडियो करप्ट हो गई थी। चलो मेक श्योर कि आज वीडियो करप्ट ना हो। बढ़िया, मैंने कल को नोटिंग नहीं की, नहीं तो मेरे को दोबारा से नोटिंग करनी पड़ती। चलो ठीक है, दोबारा से कंटिन्यू कर। सॉरी, आपके तो पहली बार ही होगा। मिलिट्री रिफॉर्म से कंटिन्यू करते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है ना। चलो ठीक है, मिलिट्री रिफॉर्म्स तो हम क्या पढ़ रहे थे, आई थिंक हम दूसरे वाले रूलिंग पे आ गए थे। हम खिलजी डायनेस्टी पर आ चुके थे, हमें ना जहाँ तक मुझे ध्यान है खिलजी डायनेस्टी। हाँ, तो खिलजी डायनेस्टी में जो खिलजी रूलर्स थे, खिलजी सुल्तान थे, उन्होंने क्या मिलिट्री में रिफॉर्म्स लेकर आए। रिफॉर्म्स ना पता है ना आपको, सुधार, क्या क्या सुधार लेकर आए वो। अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली हु लेड द फाउंडेशन ऑफ परमानेंट स्टैंडिंग। ओके, ये पहले ऐसे रूलर थे, एक मिनट, ये तो पहले रूलर ये पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने हमेशा खड़ी रहने वाली आर्मी की फाउंडेशन डाली, हमेशा खड़े रहने वालों की। यानी कि मुझे नहीं पता 101% पर इनकी बातों से ऐसा लगता है, सेंटेंस से ऐसा लगता है कि इनसे पहले इतने रूलर रह चुके हैं। उनकी जो भी आर्मी थी ना, वो हमेशा बॉर्डर पर रेडी नहीं रहती थी, हमेशा अपने, सर मैं बॉर्डर से, मतलब इंडिया के बॉर्डर की बात नहीं कर रहा, अपनी टेरिटरी के बाहर के बॉर्डर की बात कर रहा, अपने टेरिटरी के बॉर्डर की बात कर रहा। तो सदर्न रूलर्स के, उनके टेरिटरी के बाहर हमेशा 24 आवर्स या 365 डेज आई थिंक आर्मी नहीं रहती होगी। पर इन्होंने ऐसा फाउंडेशन डाला, इन्होंने ऐसा रूल बनाया कि नहीं, मेरी आर्मी हमेशा रहेगी, ठीक है, खड़ी वहाँ पर रेडी रहेगी, कोई प्रॉब्लम हो जाए वो एकदम रेडी रहे, अलर्ट रहे, है ना। तो ये पहले थे ऐसे, तो अच्छी बात है, इसे याद रखनी चाहिए हमें। He imported quality horses and started the system of branding horses so that the soldiers could not replace them with inferior quality horses. वो क्या करते थे, इम्पोर्ट ना, पता है, इम्पोर्ट बाहर से मंगाना, फॉरेन से इंडिया में मंगाना, फॉरेन से इंडिया में मंगाना। तो वो क्या करते थे, बहुत अच्छी अच्छी ब्रीड के, सर क्वालिटी हॉर्सेस मतलब पता है, क्वालिटी हॉर्सेस मतलब नहीं, हॉर्स की क्वालिटी कैसे पता करते, उनकी ब्रीड से, ठीक है, उनकी हेल्थ से। तो बहुत क्वालिटेटिव हॉर्सेस को बाहर से इम्पोर्ट करते, किस लिए, अपने सोल्जर्स के लिए। एंड स्टार्टेड अ सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग हॉर्सेस, और अपने हॉर्सेस की ब्रांडिंग करना भी उन्होंने स्टार्ट किया, किस लिए, सो दैट द सोल्जर्स कुड नॉट रिप्लेस देम विद इनफीरियर क्वालिटी हॉर्सेस। ताकि अब उन्होंने इतना वो नाम कर देते अपने घोड़ों का, अपने हॉर्सेस का, अपना इतना, कि कोई भी सोल्जर उन घोड़ों को रिप्लेस ना कर सके, उन हॉर्सेस को रिप्लेस ना कर सके, जैसे लो क्वालिटी हॉर्सेस के साथ, इन्फीरियर मतलब कि लो क्वालिटी हॉर्सेस के साथ रिप्लेस ना करें। वो चाहते थे कि मेरी आर्मी भी सुपर हो, अब हॉर्स के पास हॉर्स भी सुपर हो। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ चेहरा, चेहरा मतलब क्या, आईडी कार्ड, गिविंग कार्ड फॉर एवरी सोल्जर, कार्ड फॉर एवरी सोल्जर, हर सोल्जर को एक आईडी देना, चेहरा, ठीक है, उन्होंने ये किया। ही हिमसेल्फ अप्रूव्ड ऑल रिक्रूटमेंट्स टू द आर्मी एंड पेड कैश सैलरीज टू द सोल्जर्स फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी। बहुत बड़ी बात है यहाँ पे सर, ही अप्रूव्ड ऑल द रिक्रूटमेंट्स टू द आर्मी, ही हिमसेल्फ। रिक्रूटर पता है क्या होता है, रिक्रूटमेंट मतलब होता है सिलेक्शन करना। आप किसी कंपनी में जाओगे तो इंटरव्यू के लिए आपको सिलेक्शन होता है, आपको रखना है नहीं रखना कंपनी में। तो इस प्रोसेस में जो लोग आपको चेक करते हैं ना, जो जो की एक्टिविटीज होती है जिसमें वो आपको चेक करते हैं, तो पूरी प्रोसेस को बोलते हैं रिक्रूटमेंट। तो ये काम वो खुद करते थे, बिना किंग वो खुद करते थे, बहुत बड़ी बात है, वो आर्मी का रिक्रूटमेंट खुद करते थे और उनको कैश सैलरी दे देते थे अपने रॉयल ट्रेजरी में से। रेवेन्यू रिफॉर्म्स, रेवेन्यू रिफॉर्म्स सर, रेवेन्यू मतलब क्या, इनकम, इनकम के फील्ड में कैसे उन्होंने रिफॉर्म्स लेके। अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट मेजर्स टू गेट मैक्सिमम रेवेन्यू, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेजर्स लिए, बहुत सारे सिस्टम मतलब रिफॉर्म लिए, बहुत सारे मतलब स्टेप्स लिए, बहुत सारे काम किए ताकि वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमा सकें। ही ब्रॉट ऑल द लैंड ऑफ एम्पायर अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल, उनके टेरिटरी में जो भी लोग आते थे, उनकी जो भी लैंड थी उनके एम्पायर में, उन सभी को उन्होंने अपने सीधे कंट्रोल में लिया। फिर
फिर उन्होंने क्या किया, ही इंट्रोड्यूस्ड द प्रैक्टिस ऑफ मेजरिंग द लेंथ, लेंथ को मेजर करो किस कितनी लेंथ है, एंड फिक्सिंग द स्टेट शेयर अकॉर्डिंगली, और उसमें स्टेट का शेयर कितना है उसको फिक्स करो, ठीक है, कि इंक्रीज द लेंथ रेवेन्यू फ्रॉम 1/3 टू 1/2। ओके सर, 1/3 टू 1/2 मतलब क्या, पहले वो किसी चीज का 1/3 हिस्सा लेते थे, ठीक है, अब वो 1/2, 1/2 मतलब क्या 1/2, अब वो थोड़ा ज़्यादा हिस्सा लेने लगे, अब थोड़ा ज़्यादा हिस्सा लेने लगे, तो सीधे सीधे इनकम बढ़ जाएगी उनकी, तो 1/3 से 1/2 लेने लगे, वो भी कैसे, इन कैश एंड नॉट इन कैंड, यानी कि आप उनकी जगह पर कुछ और देते, आपको कैश ही लेना है। ही अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू, बिल्कुल उन्होंने वो खुद ये काम खुद नहीं करते थे, उनके पास कुछ स्पेशल ऑफिसर थे उनके थ्रू ये काम करते थे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ ही वॉज डोमिनेटेड बाई मलिक काफूर। हाँ सर, कौन है ये मलिक काफूर, के कमांडर इन आर्मी। टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ ही वॉज डोमिनेटेड बाय मलिक काफूर हिज कमांडर, उनके जब उनकी लाइफ के जब वो एंड मोमेंट पर आए, ठीक है, तो उनको मलिक काफूर ने काफ़ी डोमिनेट किया। सर कैसे, देखते हैं जरा। आफ्टर मैनी इंटरव्यूज द खिलजी डायनेस्टी फाइनली केम टू एन एंड व्हेन गाजी मलिक द गवर्नर ऑफ डिपलपुर असेंडेड द थ्रोन। गाजी अटैक, शायद आपने कभी सुना हो उनके बारे में, हिस्ट्री में गाजी बहुत बड़ा नाम मतलब है, बीच में कुछ टेररिस्ट भी रह चुके हैं जिन्होंने खुद अपना नाम, ठीक है, अरे रे क्या हो गया, ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक टाइम आया जब मलिक कपूर डोमिनेट करने लगे उन्हें, उस टाइम पर क्या हुआ, ये जो खिलजी डायनेस्टी थी ना वो अपने अंतिम सांस ले रही थी, यानी उसका डिक्लाइन होने का टाइम आ चुका था। सर क्यों, किसने अटैक करे इनके ऊपर, तो कि गाजी मलिक करके थे जो कि डिपलपुर के गवर्नर थे, उन्होंने इन पर चढ़ाई की, चढ़ाई मतलब क्या, इनकी टेरिटरी में अटैक किया, ठीक है, और उनका जो डायनेस्टी था फाइनली केम टू एन एंड, यानी यहाँ पे भी लिखा नहीं है, अभी आएगा, अभी लिखा नहीं है, बस यहाँ पे लिखा है कि वो अंत होने पर आ गया, तो इसका सिंपल सा होता है कि गाजी मलिक जीत गए, उन्होंने खिलजी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर थे उनको हरा दिया। आप पढ़ते हैं, जो गाजी मलिक थे उन्होंने एक नई डायनेस्टी हुई तुगलक डायनेस्टी, ठीक है, नहीं गाजी को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। द एसेंशन टू द थ्रोन बाय गाजी मलिक हैड इट्स ओन अप्स एंड डाउन। सर काफ़ी इनको भी अप डाउन देखने पड़े, काफ़ी मतलब प्रॉब्लम इनको भी हुई थी, उन्होंने गाजी मलिक ने अटैक किया था खिलजी डायनेस्टी पर, और खिलजी डायनेस्टी को जीतने पर उन्होंने काफ़ी मतलब अप डाउन आए। इन 1320 ही टुक द टाइटल ऑफ गियाजुद्दीन तुगलक शाह, नामिया देखने, गाजी मलिक को ही क्या कहते थे लोग, गियासुद्दीन तुगलक शाह, एंड बिगेन द तुगलक डायनेस्टी, और वहां से तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट हो गई। ही डाइड ड्यूरिंग द कॉलेप्स ऑफ अ पेविलियन बिल्ट इन हिज ऑनर इन 1325। एक बार की बात है, मैं पता नहीं शॉर्ट में देते हैं आगे एक्सप्लेन क्या है नहीं क्या, मेरे को ध्यान नहीं, मैंने पढ़ाया था आपको, मैंने लेकिन कल बताया था, अब कल तो मेरे को दोबारा से बताना पड़ेगा आपको। एक बार की बात है, ये कहीं से एक इम्पोर्टेंट बैटल था, उसको जीत कर आ रहे थे, ठीक है, जब ये इम्पोर्टेंट बैटल जीत कर आ रहे थे ना, तो इनके वेलकम के लिए, इनको वेलकम पार्टी देने के लिए, इनके जो वेल विशर थे, इनके जो डियर वंस थे, उन्होंने इनके स्वागत में एक महल बनवाया, एक अलग से पेविलियन बनवाया, ठीक है, ताकि एक नए नए महल इनके सेवा मतलब इनके उसके लिए बनाते हैं, वेलकम गिफ्ट के लिए, और इनको उन्हीं में सेलिब्रेट करेंगे, इनके जो जीत का जश्न है, जो इनकी जो विक्ट्री है उसको उसी में सेलिब्रेट करेंगे। तो क्या हुआ, उसी पेविलियन में वो पेविलियन टूट गया, वो उस पेविलियन की छत जो है ना वो गिर गई, थोड़ी वीक हो गई, या थोड़ी किसी का मतलब साजिश भी हो सकती है, किसी कुछ भी हम कह नहीं सकते, तो वो टूट गई, और उस वजह से उस पेविलियन के अंदर उनकी डेथ हो जाती है उस एक्सीडेंट में, तो इनको भी हराया नहीं पाया, किससे हार कर नहीं मरे, ये एक बिल्डिंग कोलेप्स हो गई और उसकी वजह से ये उनकी डेथ हो गई 1325 में, है ना, एक पेविलियन बनाया गया था इन्हें दोहरा, उनके सम्मान में, उनके रेस्पेक्ट में, वेलकम पार्टी में इसको आपको नॉर्मल लैंग्वेज बोला, लेकिन वो वहाँ पे वो टूट गई वो, है ना, तो उनकी डेथ हो गई। फिर इनके बाद उनके बेटे जोना खान, जिनको मोहम्मद बिन तुगलक भी बोलते हैं, तो गियासुद्दीन सन जोना खान असेंडेड द थ्रोन एंड टुक द टाइटल मोहम्मद बिन तुगलक, महल जाने तुगलक बनाया जाने लगा। मोहम्मद बिन तुगलक वाज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल रूलर्स ऑफ हिज एज, वो अपने टाइम के बहुत सुपर रूलर थे, वो अपने टाइम के बहुत सुपर रूलर थे, ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर, काफ़ी इंटेलिजेंट भी थे, ही हैड ग्रेट इंटरेस्ट इन रिलीजन,
सर अपने रिलीजन में वो बहुत भरोसा रखे थे, बहुत इंटरेस्ट था उनको, फिलोसफर थे, फिलोसफी में उनको इंटरेस्ट था। ही हैड ऑल्सो मास्टर्ड मैथमेटिक्स। ओके सर, बहुत अच्छे मैथ्स पढ़ाते थे, या पढ़ते थे यार, ये पढ़ाते नहीं थे। एस्ट्रोनॉमी भी इनकी अच्छी थी, लॉजिक्स भी, फिजिकल साइंस सब मस्त, यानी बहुत पढ़ा लोग पढ़ाकू थे ये। ही वॉज अ लवर ऑफ पर्सनल लिटरेचर, इनको पर्सनल लिटरेचर बहुत पसंद था। म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, कैलीग्राफी, इन चीज़ों में इनको काफ़ी इंटरेस्ट था। स्वाति गेट लगा दे, दूसरा ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। हाँ ये तो शायद आपने पढ़ चुके होंगे, हमें रोमन एम्पायर भी कुछ नहीं पढ़े हैं, तो ये लोग अपने कैपिटल को ट्रांसफर कर देते हैं। कैपिटल मतलब जो कैपिटल सिटीज होती है, कभी एक सिटी से दूसरी सिटी को कैपिटल बनाते रहते हैं। तो मोहब्बुद्दीन तुगलक ने भी अपने रीजन में ऐसा किया। ही हैड एल्सो स्प्रेड टू द साउथ, उन्होंने अपना रीजन साउथ तक एक्सपेंड किया। देन ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू देवगिरी, उन्होंने अपनी कैपिटल को कहाँ शिफ्ट किया, देवगिरी में सेटल किया, जो कि कहाँ पे, औरंगाबाद के पास में है। एंड रीनेम्ड इट आज के नाम पे, यानी रीनेम्ड इट आज के टाइम पे, वो देवगिरी किस नाम से जानी जाती है, दौलताबाद, दौलताबाद है ना, ये आपको दोनों नाम याद रखने हैं। हाउ डिड इट फॉर द फॉलोइंग रीजन, ऐसा उन्होंने, सॉरी, ही डिड इट फॉर द फॉलोइंग रीजन, ऐसा उन्होंने क्यों किया, इन्होंने ये शिफ्टिंग क्यों की। दौलताबाद यानी देवगिरी बोल दो उस टाइम पे, वॉज सेंट्रली लोकेटेड फ्रॉम वेयर ही कुड कंट्रोल द डेक्कन टेरिटरी। डेक्कन को कंट्रोल करने के लिए एकदम ये सेंटर में पड़ता था, और सेंटर तो आपको पता, सेंटर एक ऐसी जगह होती है जहाँ हर जगह पे कंट्रोल कर सकते हो, तो इसलिए इन्होंने इस प्लेस को चूज किया। डेली वॉज इन द ग्रिप ऑफ सीवियर फेमाइन। सर दिल्ली थोड़ा, सिर्फ दिल्ली तो सेंटर में आता है, लेकिन दिल्ली थोड़ा कुछ लोगों के कंट्रोल में था, मतलब कुछ लोगों के अटैक वहाँ पे थे, मतलब कुछ ग्रुप बने हुए थे जो हमारे अगेंस्ट थे, तो वहाँ पर नहीं कर सकते थे अच्छे से। दिल्ली वॉज कॉन्स्टेंटली थ्रेटन बाय द मंगोल इन्वेजन, तो जो मंगोल के लोग थे वो भी वहाँ पर बार बार आते रहते थे, धमकी देते रहते थे, तो थोड़ा दिल्ली को उन्होंने चूज नहीं किया, तो इसलिए उन्होंने दिल्ली से अपना कहाँ पर शिफ्ट कर लिया, देवगिरी से कैपिटल शिफ्ट कर लिया। ही ऑर्डर द पीपल ऑफ दिल्ली इंक्लूडिंग रिलीजियस हेड्स टू शिफ्ट दी जल शिफ्ट टू दौलताबाद ऑन रियलाइजिंग द ग्रेविटी ऑफ द थ्रेट। ग्रेविटी मतलब सीरियसनेस, ग्रेविटी मतलब यहाँ पर फिजिक्स के लॉजिक में लगाने लगा, फिजिक्स आपको याद आ जाए, यहाँ पर ग्रेविटी मतलब है सीरियसनेस। ऑन रियलाइजिंग द सीरियसनेस ऑफ द थ्रेट फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट ही डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल बैक टू दिल्ली। सर बाद में देखा नॉर्थ वाले एरिया में भी, यहाँ पर यानी उन्होंने दौलताबाद में जो कैपिटल शिफ्ट किया है, वहाँ पर भी उनको मतलब लिखा कि अरे ये भी सीरियस जगह है, ये भी क्या है, थोड़ा रिस्की एरिया है, ये भी रिस्की थोड़ा प्लेस है, तो उन्होंने वापस फिर दौलताबाद से अपना दिल्ली में शिफ्ट कर ली। ठीक है, दिस कॉज लॉट्स ऑफ हार्डशिप टू द पीपल, इससे लोगों का भी प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली होनी होना है। टोकन करेंसी, अनदर कॉन्ट्रोवर्सियल स्टेप विच मोहम्मद तुगलक टुक वाज इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। सर क्या होता है टोकन करेंसी बताता हूँ, अभी मैं आगे क्या पढ़ के बताऊंगा, वैसे मैं शॉर्ट में आपको बता दूँ, एडवांस मनी, अगर कभी आपने सुना तो एडवांस मनी, इट मेंट इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रॉन्ज टंका, टका बोलो, टका हिंदी में टका, इन प्लेस ऑफ सिल्वर टका। दिस वॉज डन बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ सिल्वर, बट दिस एक्सपेरिमेंट फेल्ड ड्यू टू द सरप्लस ऑफ काउंटरफिट, मतलब नकली, फेक है ना, काउंटरफिट कॉइन्स ऑन अ वेरी लार्ज स्केल विच कॉज क्योर्स इन ट्रेड एंड कॉमर्स। कॉन्सिक्वेंटली टोकन करेंसी, तो यहाँ पे टोकन करेंसी का जो यूज करता है इसका, तो टोकन करेंसी मतलब लिखो, जो मैंने एडवांस बोलता है वो मत लिखो, टोकन मनी का मतलब होता है एडवांस मनी, टोकन मनी का मतलब, टोकन करेंसी का मतलब नहीं होता, टोकन करेंसी मतलब सिंपल करेंसी। तो पहले यहाँ पे जो उनकी करेंसी चलती थी ना वो सिल्वर की चलती थी, बाद में उन्होंने सोचा कि सिल्वर की जगह में ब्रॉन्ज की करेंसी बना दो, सिल्वर थोड़ा कम था, तो सिल्वर अब वो नए नए पैसे, नए नया नया पैसा बनाना है तो कैसे होना है, सिल्वर का ही नहीं हमारे पास, बहुत कम है, तो कम है तो कम ही पैसा बन पाएगा, तो उन्होंने बोला ब्रॉन्ज तो बहुत ज़्यादा है तो ब्रॉन्ज के पैसे बनाते हैं। उन्होंने ऐसा कर दिया कुछ टाइम, तो उन्होंने देखा कि ब्रॉन्ज मेरे पास थोड़ी ज़्यादा है, ब्रॉन्ज तो हर किसी के पास ज़्यादा है, तो बाकी लोग क्या करने लगे, नकली नकली कॉइन बनाने लगे, नकली नकली कॉइन बनाने लगे, तो ये तो मतलब बहुत गलत हो गया। इस वजह से बाद में उन्होंने क्या किया, अपना टोकन करेंसी वाला डिसीजन वापस ले लिया, यानी वापस उन्होंने फिर सिल्वर के कॉइन चलने दिए, सिल्वर क्योंकि लोगों के पास नहीं होता था इतना ज़्यादा, ठीक है, तब वो लोग उसमें बना पाते थे, सिक्के नहीं बना पाते थे, लेकिन ब्रॉन्ज में तो बहुत ज़्यादा बनता था। टैक्सेशन इन डोग, मोहम्मद बिन तुगलक वांटेड टू कंक्वर टेरिटरीज नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन सेंट्रल एशिया।
ऑब्वियसली हर किसी का था, मतलब इसका कि अपना एम्पायर बहुत बड़ा करे, तो वो केवल अपना इंडिया ही इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर जो भी सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया में जितने भी एरिया आते हैं सभी पर वो क्या करना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे, पूरे एरिया पूरी टेरिटरीज को कंक्वर करना चाहते थे। फॉर दिस ही रिक्वायर्ड अ लार्ज आर्मी, इसके लिए बहुत आर्मी की जरूरत थी, एंड देयरफॉर लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, और फिर लार्ज आर्मी को तो उनको खाने पिलाने के लिए मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी चाहिए। सो इन ऑर्डर टू गेट मोर रेवेन्यू, तो उसके लिए और भी पैसा कहाँ से, रेवेन्यू से, तो रेवेन्यू ज़्यादा पाने के लिए उन्होंने क्या किया, इंक्रीज द लैंड टैक्स, उन्होंने लैंड टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया कहाँ पे, एक ऐसा फर्टाइल एरिया गंगा यमुना डूब के पास जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब लैंड बहुत फर्टाइल होती थी, ठीक है, तो वहाँ पे लोग इजिली दे पाए, क्योंकि वो गंगा यमुना डूब वाले एरिया पे बढ़ाया था टैक्स, इसलिए टैक्स को क्या नाम दिया गया, डूब टैक्स, टैक्सेशन इन डूब है ना। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे क्या हुआ, जब उन्होंने टैक्स बढ़ाया था, अ सीवियर फेमिन ब्रोक आउट इन द एरिया एंड पीपल रेफ्यूज टू पे द एक्स्ट्रा टैक्सेस एंड दोज इन रेबेलियन। सो उसी टाइम जब उन्होंने टैक्स बढ़ाने की बात की, कुछ लोग खड़े हो गए उस एरिया से, उन्होंने बगावत की, रिबेलियन मतलब तो बगावत करना, उनके अगेंस्ट खड़े हुए, उन्होंने मना कर दिया कि हम इतना एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देंगे, हम एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देंगे, बट द टैक्स कलेक्टर शोड नो मर्सी, जो टैक्स कलेक्टर थे उन्होंने कोई उनके ऊपर दया नहीं दिखाई, एंड टुक ईस्टर्न मेजर्स, ईस्टर्न मतलब स्ट्रिक्ट, काफ़ी स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए उनके खिलाफ टू कलेक्ट टैक्सेस, दिस मेड सम ऑफ द पीजेंट्स टू अबेंडन देयर लैंड एंड टू फ्ली टू जंगल, एंड फ्ली टू जंगल। ओहो, इस वजह से कुछ लोगों को अपनी जगह छोड़नी पड़ी और कुछ लोगों को तो अपनी लैंड छोड़ छोड़ कर जंगलों में भागना पड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक टुक इफेक्टिव स्टेप्स टू फाइट द फेमाइन, जो ये लोग थे इनके अगेंस्ट जो लड़ने के, उन्होंने काफ़ी इफेक्टिव स्टेप्स लिए एंड सेव द सिचुएशन, और सिचुएशन को थोड़ा सा संभाला। ही ऑर्डर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन्स, उन्होंने ऑर्डर दिया कि हम ग्रेन्स फ्री में बांटेंगे, एडवांस लोन्स टू पीजेंट्स, किसानों को लोन एडवांस में देंगे, इम्प्रूव इरीगेशन फैसिलिटीज, इरीगेशन सिस्टम को थोड़ा इम्प्रूव करवाया, बट इट वॉज टू लेट एंड अ नंबर ऑफ पीपल वर स्टार्व टू डेथ, ये काफ़ी लेट था, बहुत सारे लोग तो भूख से मर चुके थे, एग्रीकल्चर सफर हैवी सेटवर्क इन डोब एरिया, क्योंकि डोब एरिया में टैक्स इतना पे करना पड़ा था कि इंसान के पास पैसा ही नहीं बच रहा था आगे फर्दर ग्रो करने के लिए, तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुई और जो उन्होंने स्टेप लिए काफ़ी लेट हो चुके थे। प्लान ऑफ कंक्वेस्ट, जो भी ये जीते थे उनके प्लान्स क्या रहे, मोहम्मद बिन तुगलक ड्रीम्ड ऑफ, बिल्कुल, सुई ऑर्गेनाइज अ ह्यूज आर्मी एंड पेड वन फुल ईयर सैलरी इन एडवांस टू सोल्जर्स, कोई सोल्जर भी इसे छोड़कर ना चला जाए, उन्होंने पहले ही दिन, साल के पहले ही दिन पूरे साल की सैलरी एडवांस में दे दी अपने सोल्जर्स को। ही देन डिसाइडेड टू कन्कर खुरासन, पर्सिया जिसको आज के पे ईरान कहते हैं, ठीक है, इन इराक, तो उन्होंने सोचा कि मैं खुरासन, ईरान और इराक को जीतूं, बट आफ्टर ईयर एक साल बाद क्या हुआ, एंड फॉलोइंग द फेलियर ऑफ टोकन करेंसी, जब एक साल बाद जब ये टोकन करेंसी वाला सिस्टम भी फेल हुआ, मोहम्मद ने तुगलक अबैंडन द प्रोजेक्ट, उन्होंने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया एंड डिसबैंडेड द आर्मी, और आर्मी को डिसबैंड कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी एम्पायर में, उनका एडमिनिस्ट्रेटर कैसा है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा है, तो वही अब यहाँ पे बता रहे हैं। द स्टेट सेटअप बाय द टर्क टर्क्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 12th सेंचुरी इन नॉर्दर्न इंडिया, ग्रेजुअली डेवलपमेंट ऑफ पावरफुल एंड हाईली सेंट्रलाइज स्टेट। 12th सेंचुरी तक ये जो टर्किश लोगों ने जो नॉर्थ इंडिया में जो अपना सिस्टम बनाया था ना, काफ़ी पावरफुल हो चुका था, काफ़ी सेंट्रलाइज हो चुका था। द सुल्तान वॉज द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, कल की तरह ना होता है। द सुल्तान वॉज द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशियल मिलिट्री अथॉरिटी, सुल्तान जो था वो होल एंड सोल, वो खुद ही खुद सुप्रीम अथॉरिटी थी, वो सुप्रीम अथॉरिटी, सर किस चीज़ की सुप्रीम अथॉरिटी, चाहे एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट हो, चाहे लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट हो, चाहे जुडिशियल काम हो, चाहे मिलिट्री से रिलेटेड काम, उन सब में सबसे सुप्रीम अथॉरिटी होती थी, उन चीज़ों में सबसे बड़ी जो अथॉरिटी थी वो सुल्तान के पास ही रहती थी। द सुल्तान कैप्ट एन आई ऑन रेवेन्यू, हमेशा उनकी आँखें रेवेन्यू वाले और नेक्स्ट डे से भी रहती थी, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। ही वॉज असिस्टेड बाई नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, काफ़ी उनके मिनिस्टर ऑफ काउंसिल को बोलते हैं जो हेल्प करते हैं रूलर के, द की फिगर इन एडमिनिस्ट्रेशन वजीर, की फिगर मतलब उनके एडमिनिस्ट्रेशन में जो की पर्सन जो था इंपॉर्टेंट इंसान वो वजीर होता था,
जो कि एज अ प्राइम मिनिस्टर एक्ट कर रहा था, ठीक है, यानी वजीर, पहले प्राइम मिनिस्टर को वजीर बोलते थे। द वजीर सुपरवाइज द वर्क ऑफ अदर ऑफिसर्स, ये बाकी अदर ऑफिसर्स के काम देखता था। द फाइनल डिसीजन वाज ऑलवेज टेकन बाय सुल्तान, लेकिन फाइनल डिसीजन तो सुल्तान ही लेता था। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द आर्मी वाज कॉल्ड अज़ीज़ मुमलिक, ये इनके उर्दू में नेम है ये, है ना, ठीक है सर। ऐसा कोई मिनिस्टर, ऐसा कोई मंत्री जैसा डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं ना, तो वही जो आर्मी को संभालता था, ऐसे मिनिस्टर को क्या बोलते थे, अरिज मुमल्लिक। आप यहाँ पर लिख सकते हो डिफेंस मिनिस्टर आज के टाइम पे, है ना। द अरिज वॉज नॉट द कमांडर चीफ ऑफ आर्मी, सर ये ऐसा नहीं कि आप समझो सर, यानी जो आर्मी का चीफ है, जो आर्मी का कमांडर है, वही होता होगा ना, ये मिनिस्टर की ओर चल रही है। सिंस द सुल्तान हिमसेल्फ कमांडेड ऑल द आर्म फोर्स, क्योंकि अब फिर ये कह रहे ना, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल भी कि ये आर्मी का कमांडर तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सुल्तान ही खुद उनकी आर्मी का कमांडर होता है, तो उसको थोड़ी देर से मिनिस्टर बना देंगे। द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अरेज डिपार्टमेंट वॉज टू रिक्रूट इक्विप एंड पे द आर्मी, सर आर्मी को रिक्रूट करना, उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड करना और उनको पे करना, ये काम था बेसिकली उसका। देर वर टू अदर इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स नेमली दीवान ए रिसालत एंड दीवान ए इंसा, ये याद रख लेना, मैंने कल मार्क भी नहीं कराया था, आज मैं करा दूँ जरा। दोनों में क्या होता है, दोनों कैसे डील करते हैं। दीवान ए रिसालत, दीवान ए रिसालत डेल्ट विद रिलीजियस मैटर्स, किसे, रिलीजियस मैटर्स एंड प्रेसाइडेड ओवर बाय द चीफ सदर हु जनरली अ लीडिंग काजी। द काजी वॉज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड एडवाइज द सुल्तान ऑन सिविल एंड रिलीजियस मैटर्स। थोड़ा मतलब थोड़ा लिंक करना पड़ेगा, मैं आपको समझाता हूँ। तो दीवान रिजालत सुनाने से पहले मैं आपको काजी सुना लूँ, काजी कौन होता है। काजी लीगल डिपार्टमेंट का हेड होता है, तो लीगल डिपार्टमेंट जस्टिस डिपार्टमेंट का हेड होता है, जो सिविल मैटर्स पर और रिलीजियस मैटर्स पर जो भी उसके रिलीजियस व्यूज़ होते हैं, लीगल व्यूज़ होते हैं, वो रखता है, ठीक है। तो ये इंसान क्या करता है, यही दीवान रिजालत को हेड करता है, यही दीवान रिजालत को भी क्या करता है, हेड करता है। और दीवान रिजालत क्या करता है, दीवान रिजालत रिलीजियस मैटर्स में डील करता है, ठीक है। फिर बता दीवान इंसा, दीवान इंसा, दीवान इंसा स्टेट करेस्पोंडेंस, स्टेट करेस्पोंडेंस मतलब क्या, स्टेट में किसी को कोई बातचीत करनी है, कोई लेटर वगैरह, पत्र वगैरह, पत्र व्यवहार करना है, एक है ना, तो ये सारी चीज़ें दीवान इंसा डिपार्टमेंट करता था। ड्यूरिंग द सल्तनत द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस, सल्तनत को, सल्तनत का जो एम्पायर था वो कई सारे प्रोविंस में डिवाइडेड था, जिसको इकतास बोलते थे, यानी प्रोविंस को एक उर्दू लैंग्वेज में क्या बोलते थे, इकतास, इकतास है ना, इकतास, इकतास। इस प्रोविंस वॉज प्लेस्ड अंडर ऑफिसर्स कॉल्ड मुक्तिस, हर प्रोविंस का एक हेड होता था, सेकंड चीफ मिनिस्टर होते हैं, यहाँ पर मुक्तिस होते थे। टू फैसिलिटेट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविंस फर्दर डिवाइडेड इंटू सिक्स, जैसा सिटी डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हो गए ना, ऐसे ही तो ना प्रोविंसेस को भी, वो उन प्रोविंसेस को भी और फर्दर पार्ट में डिवाइड किया गया, ताकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन लोकल लेवल पर काफ़ी अच्छे से हो सके। तो प्रोविंसेस को फर्दर डिवाइड किया गया सिक्स में, परगना में जिसको डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं, है ना, फिर इसके बाद ब्लेज में भी। तो जो ब्लेज था, ब्लेज वॉज द लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, नहीं विले से छोटे तो कोई बचा ही नहीं था, तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से छोटी कोई बची ही नहीं। द ऑफिशियल्स हु वर्क एट द बिज लेवल इंक्लूड द मुकदम, जो कि विलेज का एडमिन होता था, द पटवान जो कि रिकॉर्ड कीपर होता था, एंड द मुसरिफ जो कि विलेज का काउंटर होता था। अच्छा, वो कहने द ऑफिसर वर्क एट द बिज लेवल इंक्लूडेड, अब जो विलेज लेवल पे जो 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 लोग काम करते थे, उन ऑफिसर से क्या क्या नाम होते थे, क्या क्या पोजिशन होते थे। एक तो मुकदम, एक पटवारी, एक मुशरिफ। तो मुकदम क्या करता था, वो विलेज का हेडमैन होता था, पटवारी कौन होता था, वो रिकॉर्ड कीपर होता था, मुशरिफ कौन होता था, विलेज का अकाउंटेंट होता था, ठीक है। ईच विलेज हैज ऑल्सो, ईच विलेज ऑल्सो हैड अ पंचायत टू सेटल लोकल डिस्प्यूट, हाँ पंचायत होती होती थी कि लोकल डिस्प्यूट वो क्लियर कर सकें।
Nobles. The nobles formed an extremely powerful group as they held positions of provincial governors and military commanders. जो वहाँ के जो श्रेष्ठ लोग थे उन लोगों ने एक अपनी अलग से पावरफुल ग्रुप बनाया। वो पावरफुल ग्रुप कैसे बनाया उन्होंने? क्योंकि वो खुद थे पावरफुल। सब पावरफुल क्यों थे वो? क्योंकि वो खुद किसी ना किसी स्टेट के गवर्नर थे, तो गवर्नर के पावर आप समझ सकते हो। वो किसी ना किसी मिलिट्री में कमांडर थे, ठीक है, शायद सेंट्रल लेवल की मिलिट्री के आर्मी के कमांडर, तो खुद वो थे क्या कहते हैं रूलर। लेकिन स्टेट लेवल पर जो होती थी उनके कमांडर तो अलग अलग होते थे ना, तो लोगों के पावर ज़्यादा होते थे। तो लोगों ने मिलकर कपड़े अलग से ग्रुप बनाया। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या हुआ? द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग ग्रांट्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम अ टेरिटरी केम टू बी नोन एज इक्ता सिस्टम। इस टाइम पे जो हम रेवेन्यू देते थे, हम दान में लोग देते थे एक टेरिटरी से, उसको हम एकता सिस्टम बोलते थे। दो वर गिवन एकता वर कॉल्ड एकता दर्श, और जो लोग ये दान करते थे उनको एकता दर्श बोलते थे। आउट ऑफ दिस ग्रांट, अब इस ग्रांट में से एकता दर्श क्या होते थे? हैड टू मेंटेन देमसेल्फ, उनको खुद अपना ध्यान रखना पड़ता था, अपनी फैमिली का ध्यान रखना पड़ता था। एंड सम सोल्जर्स फॉर यूज बाय सुल्तान ड्यूरिंग वॉर, और जो सोल्जर्स जो सुल्तान का ध्यान रखते हैं ड्यूरिंग वॉर, उनको भी उनका भी उनको भी मतलब उनको भी मेंटेन करना पड़ता था। वेन द सेंट्रल अथॉरिटी बिकेम वीक, वेन द सेंट्रल अथॉरिटी बिकेम वीक, सेंट्रल मतलब सेंट्रल लेवल पे, तो मैनी ऑफ दिस इक्तादार्स फंक्शन एज इंडिपेंडेंट रूलर्स। बाद में फिर इक्तादार्स क्या करने लगे? इंडिपेंडेंटली काम करने लगे अंडर देयर कमांड, कमांड होने की सुनते थे, है ना। एक और होमवर्क ट्राई करना, मैं पूछे तो होने कोई होमवर्क क्वेश्चन, आई थिंक आपको सारे आ जाते हैं या टीचर आपको मार्क करा देते हैं। अच्छी बात है, तो ये होमवर्क आप कर लेना, ठीक है, ऑफ करते हैं।